अगर मैं आप सबसे कहूँ ये जो हलवा हम खाते हैं वो हिंदुस्तान का नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अरे पंकज कुछ तो छोड़ दो भाई हिंदुस्तान के लिए। लेकिन बात बिल्कुल सही है, ये हलवा एक्चुअली इंडियन ओरिजिन का नहीं है, ये भी आया है हमारे पास पर्शिया से। जान के हैरानी हुई ना, आफ्टरऑल ये सूजी का हलवा तो हमारे सबके घर का गो टू डिजर्ट बन चुका है। कुछ मीठा खाने का मन किया तो क्या कहते हैं, थोड़ा हलवा ही बना लो। तो आज चलिए थोड़ा सा हलवा ही बनाते हैं मेरे स्टाइल से, मेरी रेसिपी के साथ, और बना लेते हैं सूजी का हलवा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। मजेदार बात तो मैंने ये देखी है कि सबके घर में सूजी के हलवे का कलर थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। कहीं बहुत लाइट कलर का होता है, कहीं बहुत डार्क कलर का होता है, कहीं लपसी जैसा बन जाता है, और कहीं एकदम दानेदार सूजी का हलवा मिलता है। तो क्या है इन सबका डिफरेंस और क्या है सही तरीका एक बढ़िया से दानेदार हलवा बनाने का, बस वही शेयर कर रही हूँ। इसके लिए रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बात मुझे मेरी दादी ने सिखाई। तो इसके लिए लूंगी मैं पहले 1 कप चीनी, और इस 1 कप चीनी में मैं डालूंगी 3 कप पानी। तो यानी कि जितनी चीनी हमने ली उसका 3 गुना हमने पानी ले लिया, 1:3 का रेशियो। और अब इसे हम पकाने के लिए चढ़ा देते हैं। तो मेरी बीजी कहा करती थी कि कच्चा पानी और कच्चा चीनी कभी भी हलवे में नहीं ऐड करना चाहिए, और मैं भी उसी को फॉलो करती आ रही हूँ। अब ये 1 कटोरी चीनी ले तो ली, लेकिन ये 1 कटोरी चीनी है कितनी सूजी के लिए, ये तो बताया ही नहीं आपको। तो ये 1 कटोरी चीनी है 1 कटोरी सूजी के लिए, यानी कि जितनी हम सूजी लेंगे उतनी ही हम चीनी भी लेंगे। अब इसे मैं पहले थोड़ा सा सूखा भून लूंगी, घी अभी नहीं डालूंगी, घी मैं इसमें बाद में डालूंगी। तो सूजी को कितना भूनना है, सूजी को हमें भूनना है जब तक ये फ्रेग्रेंट नहीं हो जाती और हल्का सा गोल्डन कलर नहीं ले लेती। तो बिना घी के सूजी भूनने के 2 कारण होते थे, 1, आपकी सूजी जो है सूखी में अच्छे से भून जाती है, दूसरा इसमें घी की मात्रा फिर ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए ऐसे हम इस सूजी को पहले सूखा भून लेंगे। मेरा चीनी और पानी भी उबलने पे आ गया है, अब गैस को कर देते हैं बंद। ध्यान इस बात का रखना है कि जैसे ये बॉइलिंग पे आए आप इसे बंद कर दीजिए, इसे लंबे समय तक नहीं पकाना है, हमें इसमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को गर्म पानी में घोलना है। और ये देखिए सूजी ने भी एक गोल्डन कलर लेना शुरू कर दिया है। तो इस सूजी को चलाते रहेंगे और एंश्योर कर लेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब गैस को मैंने धीमा कर दिया है और अब इसमें मैं डालूंगी घी। तो घी कितना मुझे ऐड करना है, हाँ घी जितनी मैंने सूजी ली है उसका 1/2 घी, यानी कि अगर मैंने 1 कप सूजी ली है तो उसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप घी, देसी घी। और इसके साथ भी इसे भून लेते हैं। अब आहा क्या खुशबू आ रही है। देसी घी में जब सूजी भुनेगी तो बढ़िया सी खुशबू तो आएगी। और अब इसे हमें कर लेना है ब्राउन। याद रखिए जिस भी कलर की आपको सूजी का हलवा चाहिए उससे 1 शेड डाकर आपको इसे भूनना है, क्योंकि जब आप इसमें चाशनी डालेंगे ना तो क्या होगा, इसका रंग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। लेकिन मकसद रंग से नहीं है, मकसद है सूजी को अच्छे से भूनने से। अब इसी सूजी में मैं डाल दूंगी अपनी किशमिश,
और इसी के साथ साथ थोड़े से काजू भी, ताकि जितनी हीट इस पैन में है ना उतनी में ये थोड़ा सा भून जाए। थोड़े से बादाम भी और इसको भी हल्का सा आप स्टर कर दीजिए। किशमिश थोड़ी सी फूल जाएगी और बादाम और काजू भी थोड़े से तल जाएंगे। और अब ऐड करेंगे इसमें हमने जो ये शुगर सिरप प्रिपेयर करके रखी हुई है, ये शुगर सिरप ध्यान से डालिएगा, काफी इसमें स्टीम उठेगी तो थोड़ा सा दूर अपना हाथ रख के तब इसमें डालेंगे। अब गैस को मैं फिर से एक बार ऑन कर ले रही हूं। अब इसे पका लेंगे जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता, सूजी पूरा पानी अब्सॉर्ब नहीं कर लेती, और आप देखेंगे कि आपका हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। बस इसे लगातार चलाते रहेंगे, चलाना नहीं छोड़ेंगे, इसे चलाते रहिए जब तक कि ये गाढ़ा होना ना शुरू हो जाए, सूजी जो है वो पानी को अब्सॉर्ब ना कर ले और अच्छे से फूल के दानेदार ना हो जाए। अब इसमें ये देखिए इरप्टिव बॉइलिंग होने लग गई है, यानी कि बुलबुले फूटने लग गए हैं, यानी कि हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब गैस को कर देंगे बंद और 5 मिनट के लिए इसे ही हम ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा हो जाने के लिए। होगा क्या, ठंडा होने के साथ साथ ये सूजी जो है बाकी का मॉइस्चर अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी, यानी कि दानेदार हलवा रेडी हो जाएगा। तो हलवा हो चुका है रेडी और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। गार्निश कर लेते हैं इसे थोड़े और कटे हुए मेवों के साथ। तो हो गया तैयार हमारा अपना, क्योंकि अब यह हमारा पूरी तरीके से हो चुका है सूजी का हलवा, जिसे हम रवा केसरी भी कहते हैं, रवे का हलवा भी कहते हैं, बट एज शेक्सपियर सेड, व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज विल बी अ रोज बाय एनी नेम, अ हलवा इज गोइंग टू बी अ हलवा बाय एनी नेम। चलिए आई एम गोइंग टू डिग इन और आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। परफेक्ट। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, ताकि मैं शेयर कर सकूं आपके साथ इसी तरह से बेहतरीन सी रेसिपीज भी।